अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और हैरियत होंगे। हम सब भी ठीक ठाक हैं। तो सुबह का टाइम है, नाश्ता हम बनाने जा रहे हैं। तो बस बच्चे को भेजा था नाश्ता लेने, बच्चा असलान आ गया नाश्ता लेके। और आज शुक्र है कि बाहर धूप भी निकल आई है, क्योंकि मौसम जैसा हो रहा था, कल मौसम तो ऐसा नहीं था, लेकिन आज देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है बाहर। और ये देखिए इतनी धूप निकल आई है बाहर। तो बस आज मौसम भी अच्छा है, आज मौसम अच्छा भी लग रहा है। तो बस आज जल्दी से हम नाश्ता करेंगे और वही सुबह की रूटीन हमारी शुरू हो जाएगी। बच्चे सुबह सुबह उठ गए हैं, तो बस यही है कि अब सुबह सुबह हो गई और मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है बाहर। तो बस मैं जा रही थी किचन में नाश्ता बनाने, तो मैंने बोला चले हम साथ अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर दें और साथ फिर चले हम बातें भी करेंगे, साथ अपना काम भी करेंगे और वही सारा दिन हम जो काम करते हैं वो भी शुरू करते हैं। तो चले आए हम अपना नाश्ते की तैयारी करें, फिर वही जो सारा दिन हम अपनी रूटीन में काम रखते हैं वो करते हैं। तो चले आ जाएं हम नाश्ता तैयार करें बच्चों के लिए। चाय हमने रख दी है, चले हम पत्री डालते हैं चाय में, क्योंकि पानी हमारा पक गया था, अब हम पत्री डालने जा रहे हैं। तो साथ ही हम बच्चों के लिए बनाएंगे पराठे, क्योंकि बच्चे मांग रहे हैं पराठे, तो उनको पराठा बना के देंगे। और मैं और लाइवा ब्रेड खाएंगे, क्योंकि लाइवा भी डबल रोटी खाएगी और मैं भी खाऊंगी। तो बच्चों को हम बना के देंगे पराठे और बस जल्दी से पराठे बनाते हैं। दो पराठे बनाने हैं और साथ चाय हमारी बन गई है। हाँ, बाजू आ रहा था आपका, आके आपका पता नहीं है कि बाजू आ रहा है। चले हम बच्चों के लिए जल्दी से नाश्ता बना रहे हैं। बच्चे असल में ब्रेड तो वैसे ही इनको कुछ होता है कि मम्मा ब्रेड नहीं खानी हमने, तो मैंने बोला चले आटा मैंने रात को गूंदा हुआ था तो मैं जल्दी से इनको रोटी बना लेती हूँ, पराठा खा लेंगे। चलो आपको पता है कि मामा को टिश्यू चाहिए होता है, और मामा का टिश्यू जब यहाँ पे नहीं है किचन साफ करने के लिए, तो आप टिश्यू यहाँ पे है नहीं और आप टिश्यू आपने सारा इस्तेमाल कर लिए। चले हम बच्चों छोटी जगह से बना रहे नाश्ता, और लाइबा को देखो, लाइबा का ना उसको भी मैं दूंगी नाश्ता। बिल्लियों की आवाजें पता नहीं कहाँ से आ रही है, काफी दिनों से बिल्लियां इतना शोर हमारे कर रही हैं, बिल्लियां पता नहीं कहाँ से इतनी इकट्ठी हो जाती हैं, इतना शोर करती हैं। नाश्ता बस जल्दी से बना रहे हैं पराठे, बच्चों को दे रहे हैं, और ये लाइबा खड़ी है, लाइबा को पराठा चाहिए, उसके लिए मैं उसका तैयार कर रही, छोटा सा पराठा दे दो मैम को, दे दो उसके हाथ में दे दो, जब वो पता है कि वो मांग रही है तो उसको दे दो। चलिए हम लाइबा का डाल रहे हैं। अच्छा, तवा बहुत ज्यादा गर्म हो गया था, मैंने तवा बंद कर दिया है, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, तो बस ये इसलिए जो पराठे बन रहे हैं तो तवा थोड़ा गर्म हो गया है, तो अभी हम ये लेवा का डाल रहे हैं।
और ऑयल भी है। अरवा को बिल्कुल छोटा सा बनाएंगे हम। तो चले बच्चों के पराठे बन गए हैं, बाकी मैं अपने लिए फिर ब्रेड बनाऊंगी, मैं डबल रोटी बना लूंगी। जी अब मेरा आटा खा लिया, मुझे छोटा सा और बना दो। खाने दो उसको, कोई बात नहीं। रायबा भाई का पराठा खा रही है तो भाई वो छोटा वाला बेटा कह रहा है मम्मा रायबा मेरा पराठा खा रही है तो आप मुझे रायबा का दे दो। मैंने बोला वो कितना खा लेगी, एक दोन वाला खाएगी। मैंने उसका ये पराठा बनाया छोटा सा, आप अपना ले, अपना ले तो कर, कोई बात नहीं, आप ये ले लो। चलो जी मेरा भी बन गया जी। मम्मा की जान ये मैं अपनी ब्रेड भी तैयार कर रही हूँ। ये देखे जी लेवा ने नुआले, मैंने पराठे के बना के दिए थे, लेवा ने खाए और बस अंडा लेने आई है। मम्मा अंडा भी दो, तो लेवा को अंडा भी दूंगी मैं साथ। तो लेवा क्या करेगी, अंडा खा जाएगी और पराठा बिल्कुल साइड पे कर देगी, पराठा मैं इसके साथ साथ खिलाऊंगी। लेवा आपने पराठा नहीं, आपने पराठा छोड़ना नहीं। अच्छा ये लो मेरा बेटा, हाँ जी ये लो ना, हाँ खाओ नुआले के साथ खाना। तो मेरी डबल रोटी पता नहीं जल ना जाए, देखा तुम्हारे जल गए मेरे डबल रोटी के। तो चले हमारा नाश्ता बस, चलो भी हमारा नाश्ता बन गया, अब हम नाश्ता करेंगे। और बच्चों ने कर लिया नाश्ता, बच्चे माशाल्लाह जल्दी जल्दी किचन में आ रहे थे, मामा नाश्ता दे दो नाश्ता दे दो, तो बस उनको जल्दी जल्दी हमने नाश्ता फटाफट में बना के दिया। अब मेरा भी नाश्ता बन गया, तो बस मैं अभी सबसे पहले चाय भी पीऊँगी साथ साथ, और बस ये अपना नाश्ता भी करूँगी। देखें जी मेरी जवाब, तो बस यही होता है किचन में जब। अच्छा अच्छा जी, क्या चाहिए, चाय चाहिए? तो बस लायबा फिर आ गई है चाय मांगने, तो कह रही है मामा फिर मुझे चाय दो, तो बस लायबा को फिर चाय चाहिए। अच्छा मैं इसको चाय थोड़ी देती हूँ, तो उसको पता है मामा ने मुझे थोड़ी चाय दी है, तो इसलिए वो बार बार मुझसे मांगती है कि मामा मुझे थोड़ी सी और चाय दें। तो बस लायबा को थोड़ी सी चाय और दूंगी। चाय वैसे भी मैंने बिल्कुल, मैं इतनी ज़्यादा चाय नहीं बनाई मैंने, क्योंकि तो बच्चों को लिए मैंने बनाई है। हाँ जी ये देखिए गर्म है, उसमें गर्म है। तो चले फिर हम करेंगे नाश्ता, और फिलहाल मैंने अभी किचन में फिलहाल मेरा जो थोड़ा बहुत होना था मैंने समेट लिया, तो बस नाश्ता करके फिर मैं अपना बस सफाई की तरफ हो जाऊंगी। और चले फिर हमें अपने दुआ में लाजमी शामिल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और हैरी से रहिएगा, अल्लाह भी आपकी तमाम परेशानियाँ दूर करे। तो चले मेरी वीडियो को सब्सक्राइब का बटन दबाइए और मेरी वीडियो लाइक कर दें, और अगर आपकी मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दें। तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिए, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो देखिए, और अगर नहीं भी देखी तो आप देखिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।